सात दिनों से सेवा सहकारी संस्था लिम्बोदा पार क्षेत्र के किसान गेहूं ना तुलाई होने को लेकर खासे परेशान हो गए और जिससे परेशान होकर इंदौर रोड मारुति वेयर हाउस के सामने चक्का जाम करने पर उतारू हो गए, क्योंकि कई किसान किराए की ट्रैक्टर ट्राली और आयसर वाहन लेकर आए थे जिनका उन्हें रोजाना 700 से लेकर 1500 रुपये तक किराया देना पड़ रहा था। 31 मई को गेहूं तुलाई की अंतिम तारीख निकल जाने के बाद किसानों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं 2 मई से किसानों का गेहूं बड़े कांटे की जगह छोटे कांटे पर तोलने की जानकारी जब किसानों को लगी तो वे आक्रोशित हो गए और करीब 200 से ज़्यादा किसानों ने अपनी समस्या इंदौर भाजपा जिला महामंत्री चिंटू वर्मा को बताई और किसान चक्का जाम के लिए रोड पर पहुंच गए। इस दौरान वर्मा ने कलेक्टर मनीष सिंह, MD IPC बैंक तथा तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर पीड़ित किसानों का गेहूं बड़े कांटे पर तोलने की बात बताई। इसके साथ साथ वर्मा ने गेहूं भंडारण की 3 जगह बताई जहाँ गेहूं भंडारण बोरों में भरकर हो सके। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। जी की मंशा है किसानों का एक एक दाना तुलना चाहिए। गेहूं की पैदावार अधिक और अधिक खरीदी के कारण कुछ जगह की समस्याओं की दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर 3 दिन से हमने एक विद्यालय, अजीत भाई का विद्यालय, MS कोल्ड स्टोर, बालाजी वाटिका सहित जितनी मदद हम प्रशासन की कर पा रहे हैं खरीदी में कर रहे हैं। किसान भी, हर किसान चाहता है कि मेरा गेहूं तुल जाए और मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उस नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि किसान और सरकार के भी सामंजस्य पैदा करके खरीदी सुचारू। चिंटू वर्मा, जिला मान। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, सारे किसान यहाँ परेशान है, ना भाजपा ना कांग्रेस, ना विधायक से ना सांसद से कोई यहाँ किसानों की समस्या हल करने नहीं आया। पर हमारे भाई और हमारे नेता भाई चिंटू भैया ने हमें देखा परेशान होते हुए, तो वो आके सारी समस्या का हल उन्होंने खुद खड़े रह के करवाया। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अच्छा, कोई भी नहीं आया, यही ट्रैक्टर खड़े रहते, यही किसान सोते हैं, मच्छर भी काटते, उनको परेशान हो गए सारे। मौसम और पानी भी ऊपर से आ रहा है, चाहे पानी वगैरह कुछ भी। चिंटू भैया के साथ में हम, उन्होंने हमारे क्षेत्र के व्यक्ति ही काम आते, बाहर के व्यक्ति को आता ही नहीं पूछने। मेरा नाम महेंद्र सिंह पवार, मैं जलोदिया पार का किसान हूँ। तो कुछ असुविधाएं जरूर हुई, असल में जो अंतिम दिन 31 मई को बड़ी संख्या में SMS जारी हुए, जिसके कारण किसानों की बड़ी संख्या में इनने अपने ट्रैक्टर ट्राली आयसर आदि लाके यहाँ लाइन पर लगा दिया था और इस बीच में कल ये निर्देश आ गया कि अब बड़े कांटे में तुलाई नहीं होगी, छोटे कांटे में तुलाई करनी है। तो इससे लोगों को लगा कि इनका माल नहीं तुल पाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं थी, हमने प्रयास किया। और उसके अलावा यहाँ भी जैसे चिंटू वर्मा जी से सतत हमारी बातें होती रही और जिला स्तर पर आपने भी बात किया और फिर हमको ऊपर से निर्देश आया कि बड़े टोल कांटे में तुलाई करनी है और हमने फिर कुछ जगह यहाँ इनका माल हम जहाँ पर बड़े कांटे में तुलाई के बाद रख सकें वो हमने 3-4 जगह जाकर सुनिश्चित किया। बालाजी वाटिका है, एक मदरसा है और ये MS कोल्ड स्टोरेज। तो अब जो है इनकी समस्या का निदान हो गया है, अब बड़े कांटे पर तुलाई शुरू हो गई है। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।